दिल्ली का दिल ITO। जिस तेजी से बहुत कुछ घटा वो अब हम आपको दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार पुलिस ने कैसे इस हालात को काबू करने के बाद फ्लैग मार्च किया। लगभग शाम को 6:15 का वक्त है, जहां इस वक्त ये सिटी आपके सामने जो आंखों देखी सिटी है वो इंडिया वाइज आपको दिखा रहा है। और इस वक्त मैं चाहूंगा अपने सहयोगी मान से कि मान थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं, जहां मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, क्योंकि एक बस मैंने आपको दिखाई जो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी। ये इलाका वो जहाँ पर इस वक्त ITO से जो लाल किले की तरफ जाता है, एक रास्ता वो जहाँ सुरक्षा बल जो खड़े किए गए थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ट्रैफिक को भी आने जाने के लिए रास्ता खोल दिया गया है। लेकिन ट्रैफिक इस तरफ मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति यहाँ से पैदा हुई उसने संकेत दे दिया था कि यहाँ हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। आंसू गैस के गोले लगातार, जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी आंसू गैस के गोले के बाद जो नौबत आई, जो युवक की मौत हुई, और उसके बाद इस पूरे चौराहे को चारों तरफ से किसानों ने जो है घेर लिया था। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर मैं थोड़ी सी और आगे बढ़ूँ तो मैं इस वक्त जो है पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक भले ही खुल गया है, लेकिन मैं मान से कहूँगा कि मान जो मेरे सहयोगी है कैमरामैन, मान से कहूँगा कि एक बार फिर से अगर दूसरी तरफ तस्वीरों को दिखाएं और हम धीरे धीरे मूव करेंगे, जहाँ पर मैं कुछ और दिखाना चाहूँगा। आंदोलनकारी जा रहे हैं पीछे, मैं चाहूँगा मान से कि ये आंदोलनकारी वापस जा रहे हैं अपनी नाराज़गी का इजहार जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने किया, क्योंकि जो 60 दिन बीते थे, 61 दिन बीते थे, उसके बाद की स्थिति जो है वो सबने देखी। लेकिन एक तस्वीर और आपको दिखाऊंगा, यहाँ से अब पुलिस भी मार्च करते हुए वापस जा रही है PHQ की तरफ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, PHQ की तरफ जो है वापस पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ पुलिस बल जो है वो वापस जा रहा है। बहुत आज बहुत कड़ा दिन, कड़ा इम्तिहान पुलिस के सामने, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त पुलिस वापस हेडक्वार्टर की तरफ, अपने हेडक्वार्टर की तरफ पुलिस मूव कर रही है, और ये तस्वीरें आपके सामने इंडिया वॉइस पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये लगभग शाम को 6:15-6:30 का वक्त है, और पुलिस जो हालात जो हैं वो आपके सामने हैं, क्योंकि लगभग जो है पुलिस ने जो ITO से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया, और उसके बाद पुलिस जो है वापस PHQ जाते हुए, और यानी कि आप कह सकते हैं कि ये राहत की खबर सीधे तौर पर कही जा सकती है पुलिस के लिए, कि फ़िलहाल जो चुनौती थी प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाने की, उसमें पुलिस कहीं ना कहीं कामयाब हुई है। मैं अपने सहयोगी मान से कहना चाहूँगा कि जो दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरह से वो अपना वापस जा रहे हैं, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे एक बार फिर से। मान मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पीछे से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर जो है इस वक्त तमाम आला अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी वापस जाते हुए, क्योंकि प्रदर्शन लगभग ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे जो ITO पर जो धरना दे रहे थे प्रदर्शनकारी, वो इस वक्त जो है वापस लौट चुके हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने आप पीछे देख सकते हैं, और पुलिस हेडक्वार्टर पे इस वक्त हम पूरी तरह से मौजूद हैं। और एक तरफ अगर लेफ्ट साइड में मैं चाहूँगा मान को कि एक बार दिखाएं जरा, ये पुलिस हेडक्वार्टर है, और पुलिस हेडक्वार्टर के सामने जो कुछ हुआ वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। लेकिन आला अधिकारी जो हैं वो वापस जा रहे हैं, और ITO पर इस वक्त मार्च करते हुए पुलिस के आला अधिकारी आपको दिखाई देंगे। मेरे सहयोगी मैं मान से कहूँगा कि जो निशान है इस वक्त मुआयना कर रहे हैं, कि जो तबाही हुई है, जो बस को तोड़ा गया था, चूर चूर किया गया था, उसके कहीं ना कहीं पूरे के पूरे इस वक्त दिल्ली के आला अधिकारी मुआयना कर रहे हैं किस तरह से बस को नुकसान पहुंचाया गया। और जो मुठभेड़ हुई प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई वो आपके सामने है, या आप शीशे देख सकते हैं, पूरे के पूरे शीशे तोड़ दिए गए इस बस के, जो मैंने आपको कहा था कि बस को दिखाएंगे हम आपको, आप देख सकते हैं इस बस को भी तोड़ दिया गया। तो वापस एक बार फिर से
जो पुलिस बल तैनात किया गया था, और इस वक्त की स्थिति आपके सामने कि यहाँ पर जो बस आप देख सकते हैं, एक और बस यहाँ पे, इसको भी तोड़ दिया गया था। तो पुलिस मार्च करती हुई पूरी तरह से हालात काबू में पा लिए गए हैं, और इस वक्त पुलिस के आला अधिकारी जो हैं मुआयना कर रहे हैं स्थिति का, ये आप देख सकते हैं। फिलहाल इस रूट को भी अब खोल दिया गया है, और जो चुनौती पुलिस के सामने थी प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाने की, उसमें पुलिस लगभग कामयाब हुई है। हम चाहेंगे कि जो स्थिति है वो आप तक पहुँचाएँ। लगभग शाम को 6:30 बजे का ये वक्त हो चुका है। मेरे सहयोगी मान से मैं कहूँगा कि एक बार फिर से हम आगे जाने की कोशिश करेंगे, और आपको उस हालात की तस्वीर एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे। पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती आज इस प्रदर्शन को लेकर, तमाम तरह के दावे पहले से ही किए गए थे, जो चिंता जाहिर की गई थी पुलिस की तरफ से कि आज इस आंदोलन में कोई घटना घट सकती है, और हुआ भी यही। ITO की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरे सहयोगी मैं मान से चाहूँगा कि मान एक बार अगर आप आगे जा पाएँ तो मार्च के दौरान की ये तस्वीरें, जहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी लगातार मुआयना कर रहे हैं, और ये इस वक्त आप देख सकते हैं, ये संकेत और संदेश देने की कोशिश है कि इस वक्त हालात को काबू पा लिया गया है, और ऐसी स्थिति में पुलिस के सामने चुनौती इसलिए भी थी क्योंकि लाल किले पर जिस तरह से जो बवाल हुआ उससे पूरा देश सकते में था, और दिल्ली पुलिस अब यह संदेश दे रही है कि हालात को काबू कर लिया गया है। लेकिन मैं यहाँ पर मान से कहूँगा कि जो पुलिस के आला अधिकारी इस वक्त मुआयना ले रहे हैं, जो मार्च कर रहे हैं, और जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसको कैसे काबू पाया गया पुलिस की तरफ से, उसके बारे में पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। खबर यह है कि गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट मांगी है उस रिपोर्ट के आधार पर अब आगे कार्रवाई की जाएगी, और जो रिपोर्ट में जिन किसान संगठनों के नेताओं ने जो आश्वासन दिया था, क्योंकि ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए थे बाकायदा पुलिस की तरफ से, कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी, उस गाइडलाइंस के मुताबिक कार्रवाई अब आगे की जाएगी, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं, छोटा मोटा बवाल नहीं, ये पूरे दिल्ली को झकझोरने वाला नहीं बल्कि पूरे देश को हैरान और परेशान करने वाला है। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस इस वक्त मार्च करती हुई, ये तस्वीरें आप लगातार आप देख रहे हैं मेरे पीछे, मेरे सहयोगी मान भी इस वक्त पूरा मार्च कर रहे हैं इनके साथ, और हालात किस तरह से काबू में कर लिए गए हैं पुलिस, उसका संकेत और संदेश देने की कोशिश कर रही है, और पुलिस पूरी तरह से इस हालात को कैसे काबू किया गया, और फिर उसके बाद जो रिपोर्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि अब ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय को दी जाएगी और इस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी। मैं चाहूँगा एक बार फिर से मान को कि एक बार फिर से वो पीछे चले, और दिल्ली पुलिस इस वक्त क्या कुछ कह रही है, कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। तो इस वक्त मैं आपको बताऊं, ये ITO का फुट ओवर ब्रिज है, मैं पूरा आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये तस्वीरें उस फ्लैग मार्च की हैं जिसके बाद अब पुलिस के आला अधिकारियों ने अपने पुलिस बल का यहाँ पर मनोबल भी बढ़ाया और संकेत और संदेश दिया कि हालात को काबू कर लिया गया है। तो ITO का ये फुट ओवर ब्रिज, जहाँ से मैं तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें जो मेरे सहयोगी मान आप तक पहुँचा रहे हैं, मैं आपको बताऊँ कि फ़िलहाल पुलिस का आप ये मोर्चा देख सकते हैं, यहाँ से किसान इस वक्त जा चुके हैं, लेकिन ITO पर इस वक्त की जो स्थिति है वो मैं आपके सामने बयां कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान से कहूँगा कि ज़रा वो दिखाएं, जहाँ सारे पुलिस वाले इस वक्त इस हालात को काबू करने के बाद इस वक्त बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ मैं अपने सहयोगी मान से कहूँगा कि ज़रा जो उस तरफ बटालियन पूरी खड़ी हुई है, पुलिस बल तैनात किया गया है, वो इस वक्त पूरी तरह से कतार में खड़े हैं। पुलिस के आला अधिकारी उनको कुछ संदेश कुछ समझा रहे हैं कि अगर कोई स्थिति आगे भी बेकाबू होती है तो आपको कैसे करना है और क्या करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं,
ये तस्वीरें लगभग शाम को 6:30 बजे की हैं और हालात को पूरी तरह से काबू प्रशासन ने पा लिया है। मैं मान से कहूँगा कि मान थोड़ा सा इस तरफ जरा दर्शकों को दिखाते हुए हम आए, ये फुट ओवर ब्रिज है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं मेरे सहयोगी अपमान के साथ। ये ITO का आप सामने वो देख रहे हैं जहाँ से पूरा रास्ता खोल दिया गया है, पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है। इस तरफ अगर मैं चाहूँ तो मान से कहूँगा कि मान जरा थोड़ा सा इधर आइए और यहाँ की जो स्थिति है मैं आपको दिखाऊँ कि ये वही फुट ओवर ब्रिज है जहाँ पर इस वक्त जो बीच का एरिया जहाँ से प्रदर्शनकारी और पुलिस बल के बीच में जो टकराव हुआ था, मैं दिखाना चाहूँगा अपने सहयोगी मान से कहूँगा कि जरा मान ये जो बसेस खड़ी की गई हैं ये आप देख रहे होंगे, यहीं से ही हालात को काबू करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई थी, पुलिस बल तैनात किया गया था। ये चारों तरफ से जो है पुलिस ने पूरी तरह से घेर लिया था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बसेस हैं, मान से कहूँगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पूरी तरह से एक लेयर तैयार की गई थी कि आगे प्रदर्शनकारी ना आए, लेकिन ट्रैक्टर से तोड़ते हुए कई बसों को नुकसान पहुँचाते हुए तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन ये ITO की आंखों देखी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ITO पर हाल इस वक्त ये है कि फिलहाल प्रदर्शनकारी चले गए हैं, लेकिन फिर भी जो निशान हैं इस प्रदर्शन के, इस आंदोलन के, वो बहुत लंबे अरसे तक दिल्ली के दिल पर रहेंगे। तो देखा आपने शाम को करीब 5:30 बजे से शाम के 7:45 बजे होने को आए और पूरी तरह से इस आंदोलन को जो आग लगी थी, आंदोलन में जो चिंगारी भड़की थी ITO पर, वो फिलहाल शांत होती हुई दिखाई दी। लेकिन इस दरमियान जो कुछ हुआ वो दिल्ली के दिल पर हमेशा हमेशा के लिए निशान दे गया, दर्द दे गया, जख्म दे गया, क्योंकि वो 60 दिन जो आंदोलन पूरे देश दुनिया के सामने उदाहरण बना था, उस आंदोलन में कहीं दशा तो नहीं भटक गई, और दशा भटक गई तो अब इस आंदोलन का अंत क्या होगा, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि ये ITO आज गवाह बना उस घटना का जिसे भुलाए नहीं भूलेंगे ना किसान, ना जवान और ना ही ये देश। अपने सहयोगी मान के साथ इंडिया वॉइस दिल्ली, ITO, दिल्ली का दिल ITO। जिस तेजी से बहुत कुछ घटा वो अब हम आपको दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार पुलिस ने कैसे इस हालात को काबू करने के बाद फ्लैग मार्च किया।